तो कुछ दिनों पहले मैंने पुणे विजिट किया तो सोचा वहाँ का साइंस सेंटर भी देख लेते हैं। तो यह है पिंपरी चिंचवड़ साइंस सेंटर, क्योंकि वो PCMC के एरिया के अंडर आता है। ये काइंड ऑफ उनका मेन सेंटर, साइंस सेंटर हुआ पुणे का। अभी एंट्रेंस ऐसा कुछ है, आपको लेफ्ट में दिखेगा साइंस सेंटर और राइट में प्लानिटेरियम। प्लानिटेरियम जाने का मौका नहीं मिला क्योंकि टाइम कम था। ऑफकोर्स एंट्रेंस के और राइट में आप देखोगे तो वहाँ एक MiG-23 जेट है जो एयरफोर्स ने डोनेट किया था PCMC को। अभी इस जेट का प्रॉपर वॉक थ्रू और एकदम मैं जेट इंजन के होल के अंदर जूम इन वगैरह करूँगा, पर वो एंड में जब मैं अपने क्लोजिंग थॉट्स दे रहा हूँ इस साइंस सेंटर के ऊपर। तो फिलहाल हम साइंस सेंटर देख लेते हैं। तो अंदर से ऐसा कुछ दिखता है, साइंस सेंटर बैठने के लिए जगह वगैरह है क्योंकि यहाँ बहुत सारे बच्चे वगैरह आते हैं। इनफैक्ट मैं जब मैं गया था तो 2-3 स्कूल्स आए थे। ये वहाँ एक वेव वाली चीज़ है जो ऑफकोर्स घुमानी थी, काफ़ी सेटिस्फाइंग था। अब उसके राइट में ये सब है, मेरे को 200 रुपये देने पड़े बस फिल्म करने के लिए ये वीडियो, एक्स्ट्रा 200। ये फोकॉल्ट पेंडुलम जो रिलेशन दिखाता है अर्थ के रोटेशन का, मतलब ये जो प्लेन है उसका मूवमेंट का वो चेंज होगा ओवर टाइम। फिर ये ब्रीदिंग स्क्वायर जो एक स्क्वायर था जो अंदर घूम रहा था वैसे कुछ, उसके साइड में एक वो बैलेंसिंग वाला चीज़ था। मेरे को याद है बचपन में ऐसे टॉयज खरीदता था, मतलब एक बैले डांसर बैलेंस कर रही है एक रॉड के ऊपर टाइप, तो वो याद आ गया ये देख के। उसके राइट में एक DNA हिलिक्स के टाइप्स कुछ है, उसके साइड में है न्यूटन्स क्रेडल जो वो एनर्जी ट्रांसफर वगैरह कर दिखाता है। मेरे को एक ऐसा लैब मतलब डेस्क टॉय लेना है ऐसा वाला। अगेन ये सब क्लीशे साइंस सेंटर स्टफ है जो सब साइंस सेंटर्स में होता है। ये था एक नैनो कट इन हाफ और ये थीम है इस साइंस सेंटर का। ये फ्लोर ऑटोमोबाइल्स का है और सिंस आई गेस पुणे एक मैन्युफैक्चरिंग हब है काफ़ी सारे ऑटोमोबाइल्स और स्कूटर्स का, तो ये काफ़ी सारा दिखा। ये GSLV बहुत इनएक्यूरेट था, इग्नोर करो। तो आई थिंक यही स्टैंड आउट आइटम है इस साइंस सेंटर का कि ऑटोमोबाइल का जो स्टफ है वो बहुत अच्छा क्वालिटी का है इस साइंस सेंटर में, कंपेयर टू अदर्स जिसमें बेसिक मॉडल्स रख देते हैं वो लोग। तो ये पूरा फ्लोर ही साइंस सेंटर का था, एक साइड था वो बंद था, पता नहीं वहाँ क्या था। तो अभी हम हिस्ट्री ऑफ ऑटोमोबाइल सेक्शन में एंटर करते हैं। यहाँ और थोड़े ऑटोमोबाइल्स के टॉयज वगैरह है। यहाँ पे आप देख सकते हो एक स्टीम इंजन टाइप्स, एक छोटा सा स्टीम इंजन का वो है सिलेंडर जो घूमता है, हवा जाती है तब। एक पिस्टन था वहाँ पे। ये एक महिंद्रा ड्यूरो बाइक का क्रॉस सेक्शन, और ये क्रॉस सेक्शन काफ़ी हाई क्वालिटी का था, मतलब एफर्ट डाला था काफ़ी सारे कंपोनेंट्स दिखने में, फ्यूल टैंक वगैरह प्रॉपरली होल किया था, फ्यूल पंप वगैरह, काफ़ी इंटरेस्टिंग था ये। अगेन ये ऑटोमोबाइल्स में काफ़ी अच्छा है ये पार्ट। ये एक ओल्ड फर्स्ट स्टीम इंजन लिखा तो है पर पता नहीं मैं वो पढ़ नहीं पाया। और थोड़े ओल्ड ऑटोमोबाइल के मॉडल्स, अब ये सेक्शन इंटरेस्टिंग है। यहाँ सब वर्किंग मॉडल्स थे मैकेनिकल कंपोनेंट्स के, इंजन से लेके क्लच प्लेट वगैरह वगैरह, और ये काम करते हैं, मतलब इनके साइड में एक बटन थे, अगर आप वो बटन दबाते हो तो वो काम करता है। जैसे इस इंजन का अगर मैं दबाऊं तो आप देख सकते हो वो पिस्टन ऊपर जा रहा है और वो फ्लाईव्हील वगैरह वो सब उसके साथ घूम रहा है। एक ऑल्टरनेटर भी देख सकते हो आप, वहाँ वो कॉपर कॉइल्स वगैरह जो रैप्ड है वो, ये भी चल रहा था, ये आप देख सकते हो उसका पिस्टन वगैरह घूम रहा है। तो काफ़ी एफर्ट डाला है ये सब प्रिपेयर करने में फॉर श्योर। ये एक और इंजन जिसका जो काम कर रहा था, इसके राइट में जो थे वो सब बंद थे, मतलब अगर मैं इसका बटन वगैरह दबाऊँ तो ये काम नहीं कर रहे थे।
सिक्स सिलेंडर इंजन। और ये इसका लाइट चालू तो हुआ पर पता नहीं ये वर्किंग सपोज्ड था कि क्या था पता नहीं। इसके राइड में और वो क्लच प्लेट्स और ट्रांसमिशन वगैरह था, ये एक्चुअल मॉडल्स थे बड़े ट्रक्स के। और ऑफ कोर्स वो ट्रांसमिशन वगैरह वगैरह काफ़ी सारे मैकेनिकल कंपोनेंट्स। अभी मैं यहाँ रश इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बच्चे थे पीछे, बच्चों की एक लाइन थी तो उन्हें इंटरप्ट नहीं करना था मेरे को। और यहाँ एक और सेक्शन होता है जहाँ पे और दूसरे कंपोनेंट्स वगैरह जैसे एग्जॉस्ट, कैटालिटिक कन्वर्टर्स वगैरह वगैरह और उनकी एक्सप्लेनेशन। ऑफ कोर्स यहाँ पे फीस और ये एक कार वगैरह है। और यहाँ आते हैं अभी हम क्लाइमेट सेक्शन की चीज़ में, क्योंकि अगर हम ऑटोमोबाइल्स की बात करेंगे तो उनका इम्पैक्ट भी जानना होगा। अगेन आप देख सकते हो काफ़ी सारे बच्चे थे और मैं इमेजिन नहीं कर सकता अपने यंग एज में ये सब देखना, मज़ा ही आता होगा। ये यहाँ पाइथागोरस थ्योरम का भी डेमो था। ये वो डेमो आइटम्स ज़्यादा थे मेरे को। ये एडटेक वाले इस्तेमाल करते अपनी वीडियोस में कन्विंस करने के लिए लोगों को उनके कोर्सेज खरीदने के लिए। यूजुअली आप देखोगे ये सब होता है उनके डेमो में। उसका एक रियल फिजिकल डेमो था तो मैं हूँ ज़बरदस्ती, मतलब वो अनकम्फर्टेबल रहा था, पूरा नहीं जा रहा था तो वो वही मतलब। फिर इंटरेस्टिंग था ये बैंगलोर साइंस सेंटर में भी सिमिलर था, हाइपरबोला, पैराबोला और एलिप्स और सर्कल का डेमो कैसे आप कौन से वो क्रॉस सेक्शन से कर सकते हो। आई थिंक बैंगलोर साइंस सेंटर में एक फिजिकल वाला है, मतलब वो हिलता है, उसके पार्ट्स हिलते हैं, ये लिक्विड था। एनीवेज अभी दूसरे फ्लोर पे चलते हैं, यहाँ से एग्जिट करते हैं ऑटोमोबाइल वाला फ्लोर। दो ही फ्लोर है यहाँ पे। दूसरा फ्लोर जो था वो एनर्जी के ऊपर था। ये फ्लोर से आप ये दूसरी चीजों का भी व्यू देख सकते हो। यहाँ पे सोलर एनर्जी, सन कैसे सन एनर्जी है वो सब कुछ था, सोलर रेडिएशन का। ये मैप मेरे को काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा यहाँ पे। ऑफ कोर्स काफ़ी सारे अच्छे अच्छे मॉडल्स वगैरह थे अलग अलग पावर सिस्टम्स के, न्यूक्लियर वगैरह। यहाँ पे फ्यूचर सोर्सेस करके कुछ लिखा था, ओशन थर्मल एनर्जी वगैरह वगैरह, पर इसे ट्रेली फ्यूचर। यहाँ काफ़ी सारे मॉडल्स काम नहीं कर रहे थे जैसे विंड एनर्जी वगैरह वगैरह, पर हाँ आई थिंक एक यंग किड को अगर आप फर्स्ट टाइम सेकेंड टाइम वगैरह आ रहे हो उसको तो काफ़ी इंस्पायर करेगा। बट हाँ मैं क्लोजिंग थॉट्स में बता दूंगा सब कुछ। तो यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी, सॉरी ये क्या हाइड्रो पावर का वो था। और ये अगेन क्लीशे स्टफ, ये हर साइंस सेंटर में होता है ये एनर्जी ट्रांसफर वाला।
इसके बाद उसके साइड में एक सेक्शन था फन साइंस के बारे में। यहाँ पे एक होलोग्राम था जो ज़्यादा कन्विंसिंग नहीं लगा मेरे को, मतलब ट्राई तो किया मैंने पर वो मतलब ऐसे समझ नहीं रहा था क्या चल रहा है अंदर। तो ये जो टेबल था वो एक मतलब एक एक्लिप्स उसका ये था एम कि आप कहीं भी मारो वो उसी को लगेगा, मतलब वैसा वो था, उस रेड डॉट को ही लगेगा कि शूट इन एनी डायरेक्शन टूवर्ड्स द कर्व और वो उसको हिट करेगा। पर क्लियरली मैंने कुछ गलत किया, मेरा नहीं हिट कर रहा था, बट हाँ शायद मैंने मिसअंडरस्टैंड किया उसे। तो यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ हुई मेरे साथ, एक छोटी बच्ची आई और मुझको रोका और पूछा कि क्या मैं व्लॉगर हूँ। तो ऑब्वियसली मैं व्लॉगर नहीं हूँ और ना ही मुझे एक्सप्लेन करना था मैं क्या कर रहा था, तो मैंने उसको बोला कि मैं कॉन्ट्रैक्ट पे वीडियो बना रहा हूँ, ऐसे कुछ तो बोला उसे। वैसे मुझे नहीं पता अगर मैंने मेंशन किया कि मेरे को एक्स्ट्रा 200 पे करने पड़े जस्ट इस साइंस इंटू को फिल्म करने के लिए, तो उन्होंने वो ऐसा रिसीट वगैरह दिया कि तुम फिल्म कर सकते हो, विच इज़ इंटरेस्टिंग। पता नहीं अगर आई मीन उनका ही बेनिफिट है अगर वो लोगों को फ्री में रिकॉर्ड करने देते तो, बट आई गेट इट अगर बहुत लोग रिकॉर्ड करने लगे तो शायद दूसरों को भी डिस्टर्ब हो, अंडरस्टैंडेबल है। तो यहाँ बहुत बच्चे थे तो मेरे को उनके वो मतलब एंजॉय कर रहे थे तो उनके इनके साथ इंटरफेयर नहीं करना था। तो एंड किया, यही था साइंस सेंटर का पार्ट। अभी हम वो MiG-23 देखेंगे, आपको वॉक अराउंड देता हूँ, तब तक आप देख रहे हो तब तक मैं एक्सप्लेन करता हूँ मेरे को क्या फील हुआ। देखो मैंने अब तक 4 या 5 साइंस सेंटर्स विजिट किया है, अहमदाबाद का साइंस सिटी, बेंगलोर साइंस सेंटर, गोवा साइंस सेंटर और ये पुणे वाला। मुंबई का प्लानिटेरियम विजिट किया पर साइंस सेंटर विजिट करने नहीं हुआ क्योंकि मेरे एंकल्स पेन हो रहे थे। अगर मैं टियर लिस्ट में बोलूँ तो अब तक का बेस्ट एक्सपीरियंस था एक्सपीरियंस वाइज साइंस सिटी, नॉलेज वाइज सेकेंड में डालूंगा बेंगलोर साइंस सेंटर को, पर नॉलेज में वो बेटर था अहमदाबाद वाले से। थर्ड होगा मे बी पुणे और लास्ट होगा गोवा। पुणे का छोटा लगा मेरे को साइंस सेंटर क्योंकि ये सिटी का जो साइंटिफिक हेरिटेज है वो बहुत ज़्यादा रिच है, तो पोटेंशियल है यहाँ एक 4-5 फ्लोर का एक बहुत वास्ट साइंस सेंटर बनाना जो इस सिटी का हेरिटेज डिपिक करे। आईसर है, आयुका है पुणे में, इतने बड़े बड़े कॉलेजेस है पुणे में। बैंगलोर का अगर आप देखो तो 3 या 4 फ्लोर्स है और हर फ्लोर का 2 डिविजन्स है और हर मतलब निशेस को करते हैं, मतलब एक में सेमीकंडक्टर, एक में इलेक्ट्रॉनिक्स, एक में स्पेस। इसमें डेडिकेटेड स्पेस नहीं था इस साइंस सेंटर में, ऑफकोर्स आप प्लानिटेरियम को कंसिडर कर सकते हो स्पेस, बट मैं साइंस सेंटर की बात कर रहा हूँ। प्लानिटेरियम सेपरेट तो बैंगलोर में भी है और गोवा में भी है अगर मैं साइंस सेंटर इस बिल्डिंग की बात करूँ तो। तो इस टाइटल में, वीडियो के टाइटल में होगा ये और नहीं या गुड और बैड ऐसे कुछ तो होगा, पर देखो ये टाइटल है ब्लैक एंड वाइट, पर इंसान का सोच और इंसान का एक्सपीरियंस ब्लैक एंड वाइट नहीं हो सकता, नुआंस होता है, छोटे छोटे फैक्टर्स होते हैं। तो अगर मैं बच्चा होता या फर्स्ट टाइम आ रहा था मैं टोटली पागल हो जाता, मेरे को मज़ा आता, उस केस में बेस्ट साइंस सेंटर। पर अगर आप मेरे जैसे हो जो काफ़ी सारे साइंस सेंटर्स विजिट कर चुके हो अक्रॉस इंडिया तो शायद आप थोड़ा डिसअपॉइंट हो, पर इसका ऑटोमोबाइल सेक्शन मेरे को कूल लगा। और अगर आपको विजिट करे तो डेफिनेटली विजिट करो क्योंकि मेरे को तो मज़ा आता है भाई ऐसे ही साइंस सेंटर जाने, काफ़ी सारे बच्चों को सीखते हुए देख और उन्हें एक्सप्लेन करते हुए मज़ा आता है। तो अगर वैसे बोलूँ तो काफ़ी अच्छा है, ज़रूर विजिट करो अगर आप कभी पुणे जाओगे तो। मैंने गूगल मैप्स पे देखा था कि आयुका जो है वो इंस्टीट्यूशन उसमें भी एक था साइंस सेंटर, तो मैं गया अंदर। अंदर जाने के बाद पता चला कि आपको कोई रेफरेंस चाहिए तो ही उस बिल्डिंग के अंदर एंट्रेंस वगैरह मिलता है वगैरह वगैरह, तो वो तो देखने नहीं मिला। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया, मैं ट्राई करता हूँ हमेशा नई सिटी में जाके नए सेंटर विजिट करने,
बस यही था ज्ञान की गरीब सबसे बड़ी। जय हिंद, जय भारत। स्पेशल थैंक्स टू मनोहरन, कार्तिकेय देवाल, वुटला चैतन्यम, जयम शर्मा, रोहित सुवर्ण, नारायण प्रसाद, प्रदीप मोहनदास, आकाश पाटिल, अमित नंबियार, अभिषेक श्रीवास्तव, तन्मय देशपांडे, निशंत कुमार, विशाल भारत, पल्लव रानेडे, हाइड्रेटिंग, कृपल पटेल, आत्रेय डांडे, रजत देशपांडे और जयदीप कंडारी। थैंक यू।